मोदी का सरप्राइज गिफ्ट राजस्थान को भी मिल गया है। 3 तारीख से जारी सबसे बड़े सियासी सस्पेंस का आज दी एंड हो गया। एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद ना सिर्फ राजस्थान का सीएम तय हो गया बल्कि फॉर्मूला भी वही लगाया गया, नया चेहरा और 2 डिप्टी सीएम। एमपी में ओबीसी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के बाद मोदी ने राजस्थान को ब्राह्मण सीएम दिया। पहली बार चुनाव लड़कर जीते भजनलाल शर्मा ने सभी बड़े बड़े दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान के सीएम की रेस जीत ली है। बीजेपी ने राजघराने को ताज की परंपरा भी कायम रखी है, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भजनलाल शर्मा कौन है, क्यों वो वसुंधरा राजे पर भी भारी पड़ गए। वसुंधरा ने निकाला पर्चा, राजस्थान में भजनलाल की चर्चा। मोदी का तीसरा सरप्राइज गिफ्ट, राजस्थान की सियासत शिफ्ट। एमपी में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में एसटी और राजस्थान में ब्राह्मण सीएम। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। विधायक दल की बैठक के पहले फोटो सेशन में, जिस पर किसी की नजर भी नहीं थी, कुछ ही देर बाद वो राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के हाथ में पर्चा था। वसुंधरा ने पर्चा खोला और नाम निकला भजनलाल शर्मा का। संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वाह किया है। चुनावी पंचायत राज के चुनाव को काम करने का भी उनको अनुभव है, तो निश्चित रूप से इस काम में अच्छे प्रभावी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। ये भी जान लीजिए भजनलाल शर्मा हैं कौन। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। पहली बार विधानसभा का टिकट मिला था। भजनलाल शर्मा ने सांगानेर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया था। शर्मा को संघ और संगठन दोनों का करीबी माना जाता है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। राजस्थान में 13% ब्राह्मण आबादी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। राजस्थान में चुनावी नतीजों के 9 दिन बाद सीएम का नाम फाइनल हुआ है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐतिहासिक रिजल्ट 2024 में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक 350 से ज़्यादा सीटें आएगी राजस्थान में, 25 की 25 सीटें आएगी। भारतीय कह सकते हैं कि पहली बार के विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजनलाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम भी दिए गए, यस, सभी सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला, यह प्रस्ताव, वसुंधरा जी हमारी सम्मान्य नेता है और उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा कि कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भजनलाल जी को विधायक दल का नेता चुना। कोई फूट नहीं है, नहीं कहते ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक साथ है, देख लो ना। एमपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाया गया है।
दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के दो डिप्टी होंगे, वहीं वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने का ऐलान किया गया है। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। दिया कुमारी शाही परिवार की राजकुमारी हैं, राजपूत समाज से आती हैं। 2019 में राजसमंद से लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन इस बार इन्हें जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। बहुत ही अच्छा निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी राजस्थान पूरा परिवार मिलके और जो तय हुआ है वो हम सब ने आपस में मिलकर सहमत होकर तय हुआ है। संगठन का पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उन्हें सेवा का मौका मिला है। पूरे प्रदेश की सेवा, पूरा भाजपा परिवार सामूहिक रूप से सबके सब पूरे विधायक पूरे मिलकर उनके साथ काम करेंगे। मोदी जी का जो विजन है उस विजन पर हम सब लेकर प्रदेश का विकास करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में परंपरा है, किसी भी सेवा करने वाले को दायित्व, हमारे पुराने संगठन में कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। बीजेपी ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से, प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। पहली बार विधायक जरूर बने हैं, लेकिन अनुभव उनका हम सब कार्यकर्ताओं में सबसे अच्छा अनुभव है, सबसे ज्यादा अनुभव है। पार्टी को यहाँ तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कार्यकर्ता के नाते, और हम खुद देखते थे दिन रात जागकर पार्टी के कार्यक्रमों में किस प्रकार से वो अपना भूमिका करते थे, किस प्रकार से रचना करते थे, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते थे। और मैं तो अभिनंदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को पहचान कर आज उस कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। केवल भजन लाल जी को सम्मान नहीं, लाखों करोड़ों हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है कि पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको पार्टी इतना बड़ा सम्मान देती है कि वो सोच से भी परे है, पूरे संसार की सोच से परे है। बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताते हुए भजन लाल शर्मा को सूबे का नया मुख्यमंत्री बनाया है। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद का तोहफा दिया गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने यहां से 1993 में पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री हासिल की है। दरअसल राजस्थान में नए चेहरे का मुख्यमंत्री बनने का संकेत चुनाव से पहले ही मिल गया था। बीजेपी ने पहली बार बिना सीएम चेहरा घोषित किए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा देने के बाद राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा दे दिया है। एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान है, निश्चित रूप से एक जो कार्यकर्ता है जिसने एबीवीपी से लेकर युवा मोर्चे तक काम किया उसको एक पारितोषिक मिला है, और इससे हमें कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह होता है कि भारतीय जनता पार्टी में असली लोकतंत्र जिंदा है। इसमें किसी को कब भी उचित सम्मान मिल सकता है जो भजन लाल जी शर्मा को मिला है। हमारे साथ निश्चित रूप से उन्होंने युवा मोर्चे में बहुत लंबे समय तक काम किया है। जब मैं प्रदेश की बॉडी में था, प्रदेश मंत्री के नाते, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते, जब उन्होंने हमारे साथ युवा मोर्चे में काम किया, हम बड़े हर्ष के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में ये फैसले बहुत अच्छे फैसले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं होता, एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान होती है और शहर सब लोगों को शहर स्वीकार होता है। दरअसल ये मैसेज वाली सियासत है, विधायकों में से किसी ऐसे को मुख्यमंत्री बना दो जिसने खुद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 2024 चुनाव से पहले तीनों राज्यों में मोदी ने राइट मैन चुना है, क्योंकि किसी पुराने को चुनेंगे तो जाने कौन क्या रिएक्शन देगा। सीएम पद के इतने सारे कैंडिडेट, कोई नाराज होगा कोई खुश, लेकिन जिसे देखा ही नहीं, जिसे ठीक से जाना ही नहीं, उससे खफा क्या होना। और यही फार्मूला तीनों राज्यों में अपनाया गया है। हमारे पार्टी नेतृत्व ने, केंद्र ने और प्रदेश ने जो फैसला लिया वो सोच समझ के लिया होगा और पार्टी हित में फैसला लिया होगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने, वो खुद वसुंधरा जी ने उनका प्रस्ताव रखा और सभी एमएलए ने उनका समर्थन किया। आप वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक माने हैं, इस फैसले से खुश है? तमाम 115 विधायक अब साथ में रहेंगे, एकजुट माने? नहीं, वसुंधरा जी के हम समर्थक हैं, ये बात ठीक है कि वही समर्थक हैं। समर्थक होना अलग बात है और पार्टी का फैसला अलग बात है। पार्टी का फैसला वसुंधरा जी ने माना, हमने भी माना। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। राजनाथ सिंह नए मुख्यमंत्री का नाम लेकर आए और बैठक से पहले होटल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 1-to-1 बातचीत की। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत चली। राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया। आम नेता, आम कार्यकर्ता
पार्टी को संपूर्ण समर्पण देकर किस तरह से भारत के सबसे शौर्यवान राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, यह पार्टी संगठन ने और विधायक दल ने दिखाया है और मोदी हैं तो मुमकिन है। उनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा और क्या संदेश दिया गया है उनके चुनाव के साथ? देखिए, प्रस्ताव श्रीमती वसुंधरा राजे, जो हमारी पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, थी, उन्होंने रखा और सभी विधायकों ने हाथ ऊपर करके कहा भारत माता की जय। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस ने भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा पर बाहरी होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने सांगानेर की जनता से बाहरी प्रत्याशी को वोट न देकर शिकस्त देने की मांग की थी। हालांकि इसके बावजूद भजन लाल शर्मा ने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की। मोदी गारंटी के साथ जाने को तैयार होने के लिए किसी भी कार्यकर्ता को चुन लिया और आज जो सकारात्मकता आई है और जो हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए मोहन यादव को आशीर्वाद देते हुए, रमन सिंह जी को देख लीजिए विष्णुदेव साई जी को आशीर्वाद देते हुए, और राजस्थान में वसुंधरा जी को देख लीजिए, हमारे भजन शर्मा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए, तो ये सारे, और इनके पीछे भी देखिए, कहीं दिया कुमारी जी महिला तो कहीं राजेंद्र शुक्ला एक, ये सारी, इसको पूरा समझने के लिए समय लगाना पड़ेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे कार्यकर्ताओं को जो प्रदेश के 3-4 दफे प्रदेश महामंत्री रहे हैं, ऐसे भजन लाल जी शर्मा जो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने सबने बहुत बड़ा अच्छा चयन किया है। अब हमारा राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा।